पहले क्या होता था आपको याद होगा कि इसमें जो 2008 में जो भर्ती आई थी प्योन भर्ती असास के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के अंतर्गत, तो वहाँ पर जो है ये एट्थ क्लास पास वाले इसमें जो है लिए जा रहे थे और अपॉइंटमेंट हुए भी हैं। मैं जिस इंटर कॉलेज में गया हूँ तो वहाँ पर बताया, आपने देखा मेरी ओल्ड वीडियो में कई सारे इंटर कॉलेज प्रिंसिपल से मैं मिलता रहा था, उन्होंने बताया 2008 में जो भर्ती होती थी उसमें जो है एट्थ क्लास पास वाले इसमें आवेदन कर पाते थे, पर अब क्या इसकी योग्यता जो है ट्वेल्थ पास कर दी गई। मैं आपको बता रहा हूँ और आज सुबह की वीडियो में क्लियर हो चुका है ना। तो हेलो गाइस, मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने कैरियर प्लानर चैनल में। बात करेंगे यहाँ पर जो इसमें यूपी टीजीडी पीजीटी एग्जाम को लेकर भी अपडेट आ चुकी है। आपको देखा कि इसमें जो है आपका जून के आपका लास्ट में, मैंने बोला था ना 4 जून के बाद, अखबार में तो आप आती है 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, आपके अध्यक्ष मोदी जी आ जाएंगे, इसके बाद परीक्षा नियंत्रक जी आएंगे और परीक्षा नियंत्रक के बाद ही काम शुरू हो जाएगा। मतलब जुलाई के लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और प्लस आपका जो है ये इसके आपका यूपी टीजीडी पीजीडी। अब एग्जाम को लेकर क्या जीएस लागू हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ यूपी टीजीडी पीजीडी एग्जाम के अंदर जीएस लागू होगा। अब जो भर्ती इसमें अटकी पड़ी तो 2022 में आई थी है ना, जून लास्ट में भर्ती निकाली गई आपको याद होगा, तो उसमें जो है उसमें केवल और केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अब जो भर्ती वैकेंसी आएगी 20,000 या 15,000 पदों पर, अभी कोविड-19 में 12,000 भर्ती हो चुकी है ना टीचर की इंटर कॉलेज में, इस तरीके से ये 4,000 भर्ती और निकालेगी। तो वह अब जो है भर्ती बता रहे हैं कि उसमें जो है जीएस लागू कर दिया गया और जो है शायद जूनियर का टेट भी लगेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी रूल अब जो भर्ती जो इसमें चल रही है उसे तैयारी करते रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बात करेंगे यहाँ पर जो इसमें जो ये जो है अब चपरासी भर्ती के लिए भी योग्यता ट्वेल्थ पास कर दी गई है, क्योंकि उसमें देखो ये योग्यता बहुत कम है ना, मतलब क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे जो है ना, अब कम से कम लिखना पढ़ाई में आना चाहिए। वही चपरासी काम का घंटा बजाना होता था, पर उसके अलावा भी अब एप्लीकेशन आती है डीआईओ के दफ्तर से कुछ भी, तो अगर पढ़ा लिखा अगर नहीं होगा चपरासी तो वो काम कैसे कर पाएगा, एप्लीकेशन किसको देना है, कहाँ पहुँचाना, तो उसके लिए तो ट्वेल्थ पास इसमें जो है वो योग्यता कर दी गई, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो है ये। और इसके बाद जो है ये हाँ लिपिक भर्ती के लिए पैट क्वालिफाइड वाले ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी से आती है तो आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी से अधीनस्थ सेवा चयनों की तरफ से भर्ती अगर आती है तो भैया पैट लगेगा, सुन लीजिए कान खोल, क्योंकि बाद में कहेंगे सर आपने बताया नहीं, और ट्रिपल सी भी लगेगा। अब ट्रिपल सी तो लगता ही है, आप सभी जानते हैं टाइपिंग टेस्ट करा रहे हैं, तो कोई भी भर्ती ले लीजिए, अगर आप लिपिक भर्ती ग्रुप सी भर्ती में अप्लाई करते हैं तो भैया ट्रिपल सी तो लगना ही लगना, मैं आपको बता रहा हूँ। और तो और इसके अंतर्गत पीजीडीसी का डिप्लोमा भी मांग रहे हैं, अब मतलब और सैनिक स्कूल वगैरह हो गए, आर्मी स्कूल हो गए, और भी जैसे आपके एकलव्य है तो वहाँ पर जो पीजीडीसी का डिप्लोमा वगैरह जो है मांगते हैं, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय से संविदा पर लगने के लिए बता रहा हूँ। अभी जैसे उसमें सैलरी का 34,000 के आसपास है एफसीएसए की है ना, अब तो उसका नाम चेंज कर दिया, आपका टीजीडी कंप्यूटर साइंस हो गया आप, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या है, तो कहने का मतलब कि अब जो अब चेंजेस होते जा रहे हैं तो चेंजेस वही होते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाइएगा, टेंथ अगर पास आपने कर रखा तो काम चलने वाला है नहीं। अगर आप सपना देख रहे थे इंटर कॉलेज में जो सरकारी वाले कौन बन जाए तो होने वाला है, टेंथ क्लास पास बड़ी मुश्किल से योग्यता रखी है इस बार भी, आपने देखा होगा यहाँ पर भी ट्वेल्थ पास है ना। अब मैं तो कह रहा हूँ ग्रेजुएट कर लीजिएगा, आगे भी भर्ती में काम हो इसमें होता रहता है आपका जो है ये नया आयोग, आपने देखा होगा कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग नया बन चुका है, अब काम शुरू हो चुका है, अब केवल क्या है अभी केवल भर्ती से रिलेटेड ही जानकारी उसमें आप अब वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी के बाद वो आपकी जो है तिथि घोषित कर दी जाएगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो आपको बता रहा हूँ तैयारी करते रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, और जो भी आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर मैं शाम के वीडियो में या देर रात के वीडियो में कमेंट नहीं कर पाता हूँ तो सुबह स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बनाता हूँ, उसमें स्क्रीन शॉट लेके मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और आपने देखा भी होगा थंबनेल में जो, ऐसी बात नहीं है, कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं, बहुत से कहते सर आप कमेंट का रिप्लाई भाई करता हूँ मैं है ना। और इसके बाद आपको मैं एक तरीके से खुशखबरी और देना चाहूंगा, यहाँ पर जो ये एयरपोर्ट है ना, आपने देखा दोपहर के वीडियो में एयरपोर्ट से भर्ती आ चुकी है ट्वेल्थ पास वाले है ना, इसके बाद पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से भर्ती आ चुकी है, और आपका आपका ट्वेल्थ पास अभी 3 दिन बचे हुए हैं, भर्ती भर दीजिएगा यहाँ पर जो है लिपिक की है ये, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हेल्पर की भर्ती आ चुकी है। बिलीफ नहीं है तो ऊपर आई बटन है, आई बटन में क्लिक कीजिए, आप भी क्लिक कीजिए यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर जो भर्ती आ चुकी है, मैं रियल बता रहा हूँ इसमें जो है ये। और उसके बाद मैं आपको इसके बाद क्वालिफिकेशन तो अपनी हाई रखिएगा, अब आप सोचेंगे मेरी क्वालिफिकेशन क्या, मेरे तो भैया मैंने ट्रिपल एमए किया हुआ है, इसके बाद बीएड एमएड नेट जेआर पता नहीं क्या क्या कर रखा मैंने है ना, इसके बाद जाके जॉब लगी है ना, अगर तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेंशन रहिए फ्री और काम करते रहिए पूरा है ना। और वो बात नहीं है कि भैया बने रहो अगला काम करेगा अगला, वो नहीं करने का कि ये हम तो भैया अगर नौकरी लग जाती है ना, बने रहो अगला काम करेगा अगला, ऐसा नहीं करना है, नौकरी लग गई
तो भैया तुरंत काम करते रहिए कंटिन्यू। बात करेंगे यहाँ पे जो है जीआईसी के अंतर्गत, जीआईसी की तो भर्ती का आएगा लोक सेवा आयोग से विज्ञापन, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको शिक्षा सेवा चैनल से कुछ लेना देना है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जीआईसी के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में प्यौन भर्ती अगर आएगी तो उसकी योग्यता तो भैया क्या रहेगी, वो तो लोक सेवा आयोग डिसाइड करेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड भर्ती जो आती है राजकीय इंटर कॉलेज में जीआईसी, वो लोक सेवा आयोग से ही आती है, तो भैया कोई टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं उसमें। बात करेंगे असाज की सहायता प्राप्त में, उसमें होता था कि भैया मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं उसमें भैया वो कर सकते हैं ट्वेल्थ पास, तो कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। फिलहाल अभी चेंजेस ऐसे हुए नहीं है, आगे इन फ्यूचर में बता रहा हूँ, इन फ्यूचर में सरकार जो करने जा रही है कि साहब उसमें होना चाहिए, मीटिंग वगैरह होती रहती है हमारे सचिव से और भी कई सारे अधिकारियों के बीच में मीटिंग रहती है, तो उसमें जो है वो आप चर्चा चल रही है, या चर्चा हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको मैं अवगत करा दूँ वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जो है ये। तो इसके बाद जो है ये बिल्कुल आप जो है अब कहने का मतलब कि जो भर्ती आएगी वो आपकी जो है लोक सेवा आयोग से आएगी, ठीक है। उसमें लिपिक के अंतर्गत पैट भी नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जीआईसी के अंतर्गत जो प्यून होते हैं ना तो भाई उसमें पैट नहीं लगेगा, क्योंकि पैट तो यूपीटर प्लस वाली भर्ती में लगता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर आपने जो वैकेंसी बताई थी, हमने ज्वाइनिंग कर लिया, 7 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सैलरी नहीं आ रहा, तो भाई एक बात बताइएगा, मैंने उसका सोल्यूशन बताया था और इस बार की वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर सैलरी नहीं मिलती है तो आप डीआईओ ऑफिस में जाइए, जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में जाइए, क्योंकि जितने भी इंटर कॉलेज होते हैं जिले के वो सब कनेक्ट कहाँ होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक से। अगर आप अगर मतलब कोई कहता है कि मैं एक तरह गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं, तो इसका पता कैसे लगाएं, तो माथे पर लिखा है किसी के नहीं लगाना, सीधा डीआईओ ऑफिस जाइए, नाम बताइए किस कॉलेज में है वो टीचर, अब पता चल जाए गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है। उसी तरीके से सारे इंटर कॉलेज का आप कनेक्ट होते हैं जिले के, वहाँ मंडल के अंतर्गत जेडी बैठते हैं, जेडी साहब बैठते हैं यहाँ पर जो है, तो 4 जिलों को मिला के एक मंडल होता है, जैसा आपका आगरा हो गया, मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, है ना, आजमगढ़ आपका जो है, ये मंडल होते हैं, उसमें 4-5 जो जिले होते हैं उसके अंदर, तो जितने भी जेडी वो एक तरीके से जो ये आपके जो है जो डीआईओस होते हैं वो 4-5 जो है जो 4-5 डीआईओस के ऊपर एक जो होते हैं जेडी होते हैं, ठीक है। अगर आपकी बात नहीं सुनने तो वहाँ जाके कंप्लेंट कीजिए हमारी सैलरी कब आएगी, है ना। उसके बाद अगर बात नहीं सुनते तो सीएम पोर्टल पर कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा सैलरी नहीं मिल रहा, 5 महीने हो गए एडिट कॉलेज में हम लगे हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सैलरी निकल जाएगा। मैं समस्या बता रहा हूँ, लड़के कमेंट करते हैं सर एक बात, अब जो वैकेंसी अटकी पड़ी है और आपका जैसे आपका सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अरे आपके एटा, इटावा, औरैया, यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई थी पीछे, तो उसमें क्या ज्वाइनिंग कब मिलेगा, लड़के कमेंट कर रहे हैं सर एक बात बताइए, आपने बताया ज्वाइनिंग इंटरव्यू हो चुका है लखनऊ में जो, आप ज्वाइनिंग कब मिलने वाला, तो भाई थोड़ा सब्र रखिएगा, आप सभी जानते हैं आचार संहिता में ज्वाइनिंग तो मिलने वाला है नहीं, है ना, कितना भी जोर लगा लीजिएगा, करने के लिए करवा सकते हैं भाई एक बात, ये संविदा की नौकरी कोई परमानेंट तो है नहीं, करने के लिए करवा सकते हैं, पर ऐसा कोई रिस्क लेगा नहीं, है ना, रिस्क नहीं लेगा, इश्क नहीं लेगा, तो सीधी सी बात क्या, टेंशन रहिए फ्री और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, इंटरव्यू दे दिया, बहुतों का इंटरव्यू अभी रुका हुआ तो उनका भी इंटरव्यू करा लिया जाएगा यहाँ। और यदि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप हाथ जोड़ के निवेदन, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के प्लस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।